सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। पंकज यादव, इन्होंने लास्ट वीडियो में एक कमेंट पोस्ट की थी कि एक वीडियो मुझे इंडेक्स फंड पे बनाना चाहिए। तो लो भाई, मैं आपके सामने अभी वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में, इंडेक्स फंड की खूबियां, फायदे और नुकसान, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इंडेक्स फंड यानी वो फंड जो चुने हुए इंडेक्स को कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, ये जो फंड है वो सेंसेक्स को कॉपी करता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि सेंसेक्स 30 स्टॉक्स को मिलाकर बना हुआ है, तो रिलायंस इंडेक्स फंड भी उसी सभी स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करता है जिस स्टॉक से ये सेंसेक्स बना है। जैसा कि मैंने कहा, इंडेक्स फंड ये इंडेक्स को कॉपी करता है, सो इस फंड में फंड मैनेजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जिसके चलते इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ और इंडेक्स फंड के नाम बताऊंगा जो अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी 50 इस लार्ज कैप इंडेक्स को कॉपी करता है। दूसरा एग्जाम्पल, ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इस लार्ज कैप इंडेक्स को कॉपी करता है और ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो पहले 100 में आती है पर पहले 50 में नहीं। तीसरा एग्जांपल है प्रिंसिपल इंडेक्स फंड मिड कैप, ये निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 इस मिड कैप इंडेक्स को कॉपी करता है। और लास्ट एग्जांपल है सुंदरम स्मार्ट निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड, ये फंड निफ्टी 100 इक्वल वेटेड इस मल्टी कैप इंडेक्स को कॉपी करता है। अब बात करेंगे इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स की। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि एक लो एक्सपेंस रेशियो फंड है, यानी कि जैसा मैंने कहा, इंडेक्स फंड को पैसिवली मैनेज फंड कहा जाता है, क्योंकि इस फंड को मैनेज करने के लिए ज्यादातर फंड्स मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती और इसी के कारण इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% से लेकर 1% इतना ही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज में इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इन्वेस्टर ज्यादा होने की वजह से वहां पर इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम 0.07% इतना ही है। बेनिफिट नंबर 2, लो रिस्क एंड स्टेडी ग्रोथ। इंडेक्स फंड में आपको स्टॉक सिलेक्शन इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडेक्स फंड चुने हुए इंडेक्स को कॉपी करता है, ठीक उसी तरह फंड की पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ग्रोथ उसके सिलेक्टेड इंडेक्स के ऊपर डिपेंड होती है। इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस पर्सन डिपेंडेंट यानी फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, यानी एक्टिवली मैनेज फंड पर जैसे फंड मैनेजर को चेंज करने के बाद भला या फिर बुरा असर पड़ता है, वैसा इंडेक्स फंड को लेकर नहीं होता। इंडेक्स फंड प्रोसेस डिपेंडेंट होने की वजह से एक बार अगर इंडेक्स फंड में प्रोसेस सेट हो जाए तो इंडेक्स फंड उसी तरह से काम करता है। पॉइंट नंबर 3, इंडेक्स फंड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका रीजन भी काफी सिंपल है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है या फिर आप कह सकते हैं कॉपी करता है। सो आपने अगर अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स सिलेक्ट कर दिया है तो आगे चलकर फंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह इंडेक्स फंड के जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। तो अभी हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इंडेक्स फंड में है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, जो पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेनिफिट्स में कवर किया था कि फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडेक्स फंड के लिए, क्योंकि इंडेक्स फंड उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिस स्टॉक से उनका इंडेक्स बना हो, और अगर ये स्टॉक अच्छे से ना भी परफॉर्म करे तब भी आपको उसी इंडेक्स से जुड़ा रहना पड़ता है। इसी के अपोजिट एक्टिवली मैनेज फंड में अगर कोई स्टॉक ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो फंड मैनेजर को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपके नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक को रिप्लेस कर दे, पर यही स्टॉक सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंडेक्स फंड में नहीं मिलती। ड्रॉबैक नंबर 2, नो बिग गेन। इंडेक्स फंड को अगर हम नॉन इंडेक्स फंड से कंपेयर करें तो पिछले कुछ सालों में नॉन इंडेक्स फंड, जिसे हम एक्टिवली मैनेज फंड भी कहते हैं, उन्होंने इंडेक्स फंड को भारी मात्रा से बीट कर दिया है, जिसके कारण एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज रिटर्न कमा पा रहे हैं। ड्रॉबैक नंबर 3, लेस पॉपुलैरिटी ऑफ इंडेक्स फंड इन इंडिया। हमारा इंडियन मार्केट ये एक डेवलपिंग मार्केट है, इसी के अपोजिट जो डेवलप्ड मार्केट होते हैं वो काफी इफिशियंट होते हैं,
जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी भारी मात्रा से की जाती है और लोग अपने रिटायरमेंट के और सेविंग के पैसे को भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये चीजें हमें हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती। डेवलप्ड कंट्रीज में सारी इकोनॉमी ब्रॉड इंडेक्सेस की वजह से मार्केट में निवेश करने के लिए रेडीली अवेलेबल होती है, जिसके कारण एक्टिवली मैनेज फंड को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म कर सके और उनसे अच्छा रिटर्न कमाए। इसीलिए डेवलप कंट्रीज में इंडेक्स फंड एक बेहतरीन रिटर्न देने वाला फंड माना जाता है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो अभी तक मार्केट से जुड़े नहीं है और इसीलिए ये सारे बिजनेसेस आपको निवेश के लिए रेडीली अवेलेबल भी नहीं है। यहां की इकोनॉमी नैरो इंडेक्सेस की वजह से एक्टिव मैनेज फंड को इंडेक्स फंड के मुकाबले कई सारे ऐसे मौके देती है जिससे वो इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म कर सके और उनसे अच्छा रिटर्न दे सके। तो बिल्कुल ये है कहानी इंडेक्स फंड की। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए जो कुछ बातें मैंने इंडेक्स फंड के बारे में आप सभी के साथ शेयर की, चाहे वो मीनिंग हो, उसके फायदे हो या फिर इंडेक्स फंड के नुकसान हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आप चाहे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।